गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में। मेरे सभी मित्र मस्त और स्वस्थ होंगे इसी उम्मीद और आशा के साथ में आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इतनी तेज़ धूप और इतनी तेज़ गर्मी में आप अपने जेट प्लांट की कैसे देखभाल करें और आपका जेट प्लांट जो है हरा भरा बना रहे, कौन सी इसको ठंडी खाद दें, आज मैं आपसे इस वीडियो में यही सब शेयर करने वाली हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो अगर पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और लो मेंटेनेंस का प्लांट है। कटिंग से ये प्लांट जो है बहुत ही आसानी से लग जाता है। एक बार आपको इसको खरीदना है, दोबारा आपको खरीदने की आवश्यकता इस प्लांट को कभी नहीं पड़ेगी। ये प्लांट कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट की कितनी अच्छी ग्रोथ है। तो आज मैं ये शेयर आपसे करने जा रही हूँ कि देखिए, इस तेज़ धूप और तेज़ गर्मी में भी मैं अपने जेट प्लांट की किस तरीके से देखभाल करती हूँ कि मेरा जो जेट प्लांट है वो बिल्कुल हरा भरा इस प्रकार बना हुआ है। फ्रेंड्स, जेट प्लांट जब मैं लेके आई थी तो मैं दो ही प्लांट इसके सिर्फ परचेज करके लाई थी और उन दो प्लांट से आज मैंने कम से कम अपने गार्डन में जो है 20 से 25 प्लांट इसके तैयार कर लिए हैं। छोटी छोटी बोतलों में लगाए हुए हैं, छोटे छोटे कंटेनर में लगाए हुए हैं, छोटे छोटे पॉट में भी लगाया हुआ है, क्योंकि इतना हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स, तो इसको लगाना बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, जब आप इसको प्लांट को लगाएं तो एक वेल्डन मिट्टी में आप इस प्लांट को लगाएं, जिसमें 30% आप मिट्टी रखिए, 30% गोबर की खाद, 30% सैंड और 1 चम्मच फंगीसाइड के साथ इसी मिट्टी को तैयार करके आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मेरा प्लांट है ये फुल सन में रखा हुआ है। मेरे पास अभी जो है किसी भी प्रकार की नेट की व्यवस्था नहीं है। ये प्लांट मेरा पूरी सर्दी, गर्मी, बरसात खुले आसमान के नीचे ही रहता है और मैं इसकी कोई जगह भी चेंज नहीं करती हूँ। जहाँ पर ये प्लांट मेरे रखे हुए हैं, ये प्लांट मेरा वहीं पर ही रखा रहता है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है कि देखिए, पूरे सन की धूप में रहता है जहाँ पर ये मेरा प्लांट है, ये इस तरफ रहता है और वहाँ पर जो है दोपहर की तेज़ धूप भी इस प्लांट को मिलती है। देखिए फ्रेंड्स, ये प्लांट जो है आसानी से लगने वाला प्लांट है। आप देख सकते हैं मेरा जो प्लांट है वो बहुत ही पुराना हो चुका है, काफ़ी लंबे समय से ये मेरे गार्डन में बना हुआ है। आप इसकी ये देखिए, इतनी मोटी मोटी शाखाएं फ्रेंड्स हो चुकी हैं और ये प्लांट इतना इजीली लग जाता है कि मैं इसकी कटिंग को लगाती रहती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी मेरा प्लांट है। तो मैं क्या करती हूँ इस प्लांट के लिए कि ये मेरे प्लांट इतने हेल्दी बने हुए हैं? दोस्तों, सबसे पहले मैं इनको जो है समय समय पर जो है इनको मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ, चाहे वो गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र हो या वर्मी कंपोस्ट का या फिर चाय पत्ती के पानी का, जो यूज्ड चाय पत्ती होती है जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, रोजाना ही हमारे घर से चाय बनती है और उनकी में से पत्तियां निकलती हैं, तो आप उनको ना फेंके फ्रेंड्स। उनके पत्तियों को धूप में सुखा कर, अच्छे से वॉश करके उसे धूप में सुखा कर आप उनका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर जो है अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। आप उनकी मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर दीजिए और गुड़ाई करने के बाद जो है आप उसको चाय की पत्ती को आप दे सकते हैं। और आप जो नॉर्मल चाय की पत्ती लेते हैं आप उसका भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप जो है यूज की हुई चाय पत्ती को 1 चम्मच लेते हैं तो जो हमारी बिना यूज की हुई चाय पत्ती है उसका आप 1/2 चम्मच लीजिए और अपने प्लांट की जो मिट्टी है, सॉयल है, उसकी गुड़ाई करने के बाद आप उसमें दे सकते हैं और आप उसका लिक्विड फर्टिलाइजर भी बना के अपने प्लांट को दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी जो है बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊं तो इसकी मिट्टी देखिए, इस प्रकार की मिट्टी इसकी होनी चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आप मिट्टी देख रहे हैं, इस तरीके की मिट्टी में ही हमें अपने जेट प्लांट को लगाना चाहिए। पानी इसमें नहीं रुकना चाहिए, अगर पानी रुकेगा तो ये प्लांट जो है हमारा मर सकता है। दोस्तों, लिक्विड फर्टिलाइज़र देने के फ़ायदा ये होता है कि जो हम जब जो वर्मी कंपोस्ट होता है, अगर हम उसे उसी तरीके से दे देते हैं तो वो मिट्टी में जो है देरी से हमारी जो प्लांट की जड़ें होती हैं उनको मिलता है, लेकिन हम जब लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में उसको देते हैं तो वो इंस्टेंट जो है इनकी जड़ों को पहुंचता है। तो इसीलिए लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है देना मैं अच्छा समझती हूँ प्लांट को, कि आप अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो वो बेहद ही अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये प्लांट कितने अच्छे से, कितनी खूबसूरती के साथ जो है चल रहा है। फुल सन में रखा हुआ है मैंने ये प्लांट और मैंने इसकी ढेरों कटिंग फ्रेंड्स तैयार कर सकती हैं, रखी हैं। ये अभी रिसेंटली देखिए, ये छोटे से पॉट में मैंने इसको लगाया है और ये भी बहुत ही अच्छे से चल पड़ा है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि अब हम इनको कौन सा लिक्विड फर्टिलाइजर मैं देने वाली हूँ फ्रेंड्स, वो भी बिल्कुल ठंडा ठंडा। और क्योंकि अब गर्मियां हैं और गर्मियों में जो है ठंडी खाद से फ्रेंड्स हमारे जो प्लांट हैं वो बहुत ही खुश हो जाएंगे और हरे भरे भी बने रहेंगे, क्योंकि तेज गर्मी है, तेज गर्मी में इनको थोड़ी सी ठंडी खाद देना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कौन सी खाद हम किस तरह बनाने जा रहे हैं। ये पौधा लक्की पौधा भी माना गया है फ्रेंड्स, कहते हैं कि ये मनी को अट्रैक्ट करता है। अब इसमें कितना सच है ये हम नहीं जानते हैं फ्रेंड्स, लेकिन कहा जाता है कि ये वास्तु के हिसाब से बहुत ही शुभ है, मनी को अट्रैक्ट करता है फ्रेंड्स। तो ये पौधा आप जरूर अपने गार्डन में ऐड करिए और जो ये प्लांटर के रूप में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे प्लांटर बनाकर भी इस प्लांट को आप लगा सकते हैं।
दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं ये गोबर की खाद है। गोबर की खाद बहुत ही ठंडी खाद मानी जाती है और इसमें जो है पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जो जेट प्लांट होता है उसे नाइट्रोजन बहुत अधिक पसंद होता है, इसीलिए जो है गोबर की खाद जो है बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइजर है हमारे जेट प्लांट के लिए। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे, ये एक मग्गा जो है हम इसका गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे। इसको जो है 48 आवर्स हो चुके हैं फ्रेंड्स भिगाए हुए और इस तरह हमें इसको इसमें देना है और फिर इसमें हम चार मग्गे इसमें नॉर्मल पानी के लेंगे। तो ये एक मग्गा मैंने इसमें डाल दिया है और अब हम इसमें चार मग्गे जो है नॉर्मल पानी के डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें नॉर्मल पानी में डाल रही हूँ, ये चार गुना पानी है मैंने नाप के रखा हुआ है। तो हमने इस तरह लिक्विड फर्टिलाइजर बना लिया है। अब हम इसको देंगे किस तरह, ये चलते हैं अपने। चाय की जो पत्ती होती है उसमें भी काफ़ी अच्छा नाइट्रोजन होता है फ्रेंड्स, तो आप चाय पत्ती का भी यूज़ करके अपने प्लांट को हरा भरा रख सकते हैं। तो करना क्या है, इस तरह थोड़ी सी हमें जो है मिट्टी की गुड़ाई करनी है फ्रेंड्स। ये गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए। जब भी आप लिक्विड फर्टिलाइजर, कोई भी फर्टिलाइजर देते हैं, तो इससे पहले आप अपने प्लांट की जो है गुड़ाई ज़रूर करें फ्रेंड्स। इससे जो है आपका प्लांट जो है अच्छा और हेल्दी बना रहता है और इससे जो हमारे रूट्स होती हैं उन्हें हवा भी मिलती है। तो इस तरह थोड़ी सी हल्की हल्की हम गुड़ाई करेंगे और गुड़ाई करने के बाद जो है हम एक लिक्विड फर्टिलाइजर को देंगे फ्रेंड्स। ये लिक्विड फर्टिलाइजर जो है आप 48 घंटे के लिए जरूर जो है इसको भिगाकर रखेंगे गोबर की खाद को, तभी आप दीजिएगा, वरना जो है हमारे प्लांट्स को नुकसान भी पहुँच सकता है। इसलिए 48 घंटों के लिए आप जरूर इस गोबर की खाद को पानी में भिगाकर रखें। तो इस तरह देखिए फ्रेंड्स, ये गुड़ाई हमने कर दी है इस तरीके से। ये देखिए चारों तरफ गुड़ाई करने के बाद हमने इस प्लांट को देना है लिक्विड फर्टिलाइजर। ये है तुरंत हमारे प्लांट को पहुंचता है और इससे जो है रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है और बहुत ही जल्दी ही मिलेगा इसका रिजल्ट भी प्लांट्स में। ये बहुत ही जल्दी जो है इम्पैक्ट पड़ता है इसका। आप देखेंगे कि 1 से 2 हफ्ते में ही आपको जो है अपने प्लांट में जो है रिजल्ट दिखाई देने लग जाएगा फ्रेंड्स। मेरे पास तो इतना सारा जेट प्लांट हो चुका है कि क्योंकि मैं सब इनको किसी भी प्रकार के कंटेनर में लगा लेती हूँ, इसलिए मेरे पास जो है जेट बहुत सारा है। और कम से कम मेरे इस पौधे को जो है 3 साल हो चुके हैं जिसकी मैं अभी गुड़ाई कर रही हूँ। 3 साल से ये मेरा पौधा इसी गमले में लगा हुआ है, ना ही मैंने इसको रिपोर्ट किया है फ्रेंड्स और ना ही मैंने इसको शिफ्ट किया है। मैं उसी जगह पे इसको छोड़ देती हूँ बस फ्रेंड्स। इस तरह गुड़ाई करने के बाद जो है हम थोड़ा थोड़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है प्लांट के चारों ओर दे देंगे। ये देखिए, और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स, इसमें जो है किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है। तो आप निसंकोच होकर जो है अपने जेट प्लांट को दे सकते हैं और इस भरी गर्मी में, इस तेज़ धूप में आप अपने जेट प्लांट को बचा सकते हैं और हरा भरा बना सकते हैं। तो मैं अपने सभी प्लांट में दे दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह जो है, ये देखिए, और ये जो छोटा सा ये है इसमें भी हम दे देंगे। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की जानकारी कि आप कौन सी ठंडी खाद दें अपने जेट प्लांट को कि आपका जेट प्लांट हरा भरा रहे, मरे ना। नहीं तो क्या होता है कि हमारे जो प्लांट होते हैं वो तेज़ गर्मी के कारण मर जाते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की जानकारी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। हैप्पी गार्डनिंग।